जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो अनदर व्लॉग अनदर डे ऑफ माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और जनाब आज है जी वीकेंड है और वीकेंड पे मैं जा रही हूँ ईद की ग्रॉसरी करने के लिए जो कि एक बहुत बड़ी ग्रॉसरी मुझे करनी है लाइक मेरा दिल है कि लाइक अभी है एक हफ़्ता रह गया तो मेरा दिल था कि मैं ईद से पहले जाऊँ और अपना सारा कुछ अपनी पेंट्री की चीज़ें फ्रिज की चीज़ें और अगर जो कुछ मुझे स्पेशल ईद पे कुक करना है उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं लेके आ जाऊँ क्योंकि ईद के करीब मेरा नहीं ख्याल था कि मुझे जाना चाहिए स्टोर में तो ये लास्ट वीकेंड था बिफोर ईद तो मैंने सोचा कि जाती हूँ तो आज आप मेरे साथ चलें और देखें कि बहुत लंबी चूड़ी ग्रॉसरी होने वाली है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने नोट किया है कि मेरी ग्रॉसरी व्लॉग लोग बहुत पसंद करते हैं तो सबसे पहले जी एक स्टोर है जिसका नाम है जी कॉस्को कॉस्को में मैं आई मैं अपने हस्बैंड के साथ क्योंकि पहले मुझे जाना था थोड़ी सी चीज़ें कॉस्को से उठानी थी उसके बाद मुझे बाकी स्टोर्स में जाना है फिर मैंने ये चीज़ें घर में ड्रॉप कर नहीं अपने हस्बैंड को घर में ड्रॉप करूँगी और फिर मैं अपने बेटे को लेके ग्रॉसरी पे जाऊँगी तो जनाब आपने देखा कि अभी भी लॉकडाउन की सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं अभी भी बहुत ज़्यादा लोग स्टोर में नहीं हैं और एक डिस्टेंस रख के लोग चलते हैं तो ये है जी डेयरी का एक, एक सेक्शन है और ये पूरा का पूरा, पूरा कोल्ड सेक्शन है इसमें दूध अंडे और ये वाली चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं और इसमें आप एंटर हो तो एकदम से बहुत ठंड लगती है आम स्टोर से इसका टेम्परेचर उन्होंने ज़्यादा रखा होता है इसी तरीके से वेजिटेबल्स का भी सेक्शन उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है तो यहाँ से मैं ले रही हूँ जी एग्स एग्स ऑलरेडी मेरे पास पड़े थे ये पूरा एक पैक इस तरह का मेरे पास ऑलरेडी घर में पड़ा है सिक्सटी एग्स का लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक पैक और ले लेती हूँ अब नो कि फ्रिज में पूरा आने वाला है कि नहीं लेकिन मैं उठा रही हूँ तो ये इतना हैवी था एक हाथ से उठाना उठाया नहीं जा रहा था तभी कैमरा बिल्कुल ब्लर हो गया था उसके ऊपर तो ये मैंने एक पैक उठा लिया सिक्सटी इसमें लार्ज एग्स हैं और ये मैं रख दूँगी अपनी कार्ट में हस्बैंड वहाँ खड़े हैं कोल्ड ड्रिंक्स के पास एज़ यूजल हमें वो भी ख़रीदनी है क्योंकि हमारे घर में ये भी बहुत शौक से पी जाती हैं आई नो कि बहुत बुरी चीज़ है बट हम लोग वंस और ट्वाइस अ वीक तो ज़रूर पी लेते हैं सारी की सारी फैमिली हस्बैंड मेरे अवॉइड करते हैं लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है तो बस ये ग्रॉसडे का सिलसिला होगा जारी और काफ़ी चीज़ें लेनी है एक लंबी लिस्ट मैंने फ़ोन पे बनाई हुई है कि मुझे क्या क्या उठाना है क्या क्या नहीं उठाना अभी मैंने घर में जब मैं निकल रही थी तो मैंने अपने फ्रिज को भी क्लीन किया है और फ्रिज में अभी भी काफ़ी चीज़ें थी और अगर मैं चाहती तो मैं ये दो तीन दिन और गुजार सकती थी वेजिटेबल्स और सब्जियों के बगैर नई ताज़ा लिए बगैर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी पर मैंने सोचा कि चलो वीकेंड है तो वीकेंड पर ले ली जाए तो ये वो टोटियाज़ का पैकेट है जो कि मैं यूज़ करती हूँ कोई भी जिस तरह मुझे टोटियाज़ बनाने होते हैं अभी तो मैंने ख़रीदी मैंने कहा से शेयर करती है बहुत बड़ा पैक है थर्टी सिक्स होती है इसमें टोर्टियाज़ और ये तकरीबन दस डॉलर का होता है जो कि डील पे था तकरीबन आठ नौ डॉलर का लगा हुआ था मैंने भी प्राइस नोट नहीं की तो वो मैंने नहीं उठाई मैंने कहा आपको दिखा दो कि ये बहुत अच्छी टोटियाज़ हैं इनकी यहाँ से मैंने एक ब्रेड ले ली है होल वीट ब्रेड नहीं खाते वाइट खाते हैं आई नो अनहेल्दी है लेकिन मुझे होल वीट ब्रेड बिल्कुल पसंद नहीं है मैं बिल्कुल खा ही नहीं सकती तो यहाँ से हस्बैंड को अपने लिए लेने हैं कुछ वाइटामिन तो वो देखे जा रहे हैं किधर पड़े हैं मैग्नीशियम लेने हैं कुछ मल्टी वाइटामिन लेने हैं तो ये लेने के लिए हम इस सेक्शन में आए हैं लाइक like जब आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि आपको इतनी चीज़ें याद आती हैं कि ये भी लेनी है ये भी लेनी है वो भी लेनी है इतनी हज़ारों चीज़ें होती हैं जो कि ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला होता है और फिर जब घर आते हैं तो फिर सोचते हो हो एक आ चीज़ तो रह गई मैं तो आपको सच्ची बताऊँ तो पहले तो मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती थी कि मैं भूल जाती थी जाती थी भूल जाती थी अभी मुझे आयल टू आयल चीज़ें पता है कि इस आयल में जाना ये लेना है इस आयल में जाना ये ये चीज़ लेनी है और चूँकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हलाल आराम का बहुत ज़्यादा सिलसिला है तो उसमें हमें ये चीज़ें मैं तो याद कर लेती हूँ क्योंकि ये चीज़ की मैंने देखे थे इंग्रेडिएंट्स ये सेफ़ है खाने के लिए तो बस यही उठाएंगे नई चीज़ें लेनी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत ज़्यादा बार देखने पड़ते हैं मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे ये पूछा था पिज़्ज़ा की डो आप कहाँ से लेती हैं तो ये देख लें कि मैंने पिज़्ज़ा डो यहाँ से कॉस्को से ख़रीदी ये चार का पैक होता है एट और नाइन डॉलर्स का मिलता है और इसमें इसके पिज़्ज़ा सॉस भी होती है और ये चार पिज़्ज़ाज भी होते हैं तो जो पिज़्ज़ा मेरा बच जाता है वो मैं फिर उसको फ्रीज कर देती हूँ नेक्स्ट वीक के लिए तो ये साथ में हमारे बार्बिक्यू की जो आपको आपने कल उसका व्लॉग देखा है जो मैं हम लोग अपने डेक को मैंने हमने नया मेक ओवर किया था तो उसमें मेरा जो डेक जो मेरा बार्बिक्यू का कवर हमने एक्चुअली दो दो एक साल पहले लिया था लेकिन उसका पता नहीं वो धूप में और स्नो में पड़े पड़े उसका रंग बहुत ख़राब हो गया तो एक नया कवर ले लिया उसके लिए हम लोगों ने आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा लग रहा है डेक के ऊपर जो हमने बारबिक्यू रखा उसका ये कवर है तो यहाँ से हम लोग हो गए तकरीबन डन यहाँ से मुझे बस पाँच छः चीज़ें लेनी थी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी तो वो ली उसके बाद इन शाला हस्बैंड के करूँगी घर में ड्रॉप और उसके बाद अपने बेटे को करूँगी पिकअप और फिर हम दोनों जाएंगे एक और लंबे सफ़र पर जहाँ पर हम लोगों ने ये सब चीज़ें लेनी है तो जब हस्बैंड साथ होते हैं या बेटा साथ होते हैं तो माशाला वही ये ये सारे काम वो करते हैं जब से मैंने ये वीडियो शूट करना शुरू की है तो ज़्यादा ही वो लोगों को करना पड़ता वरना तो हम साथ, साथ ही काम करते थे तो अभी जनाब यहाँ से हो गए हैं डन यहाँ से अब निकलते हैं और निकलने के बाद जा रहे हैं दूसरे स्टोर में अब आ गए हैं दूसरे स्टोर में फ्रूट्स मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं एज़ यू नो कि मैंने आपको पहले शेयर किया था कि रमज़ान में हमारे घर में फ्रूट बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते मैंने पूरे रमज़ान में सिर्फ एक दफ़ा फ्रूट चाट बनाई है और एक दफ़ा मेरी फ्रेंड ने कुछ दफ़ा भेज दी तो देट सेट मैंने मैंने बिल्कुल फ्रूट चाट नहीं बनाई पालक में लूँगी कुछ पकौड़ों के लिए कुछ मुझे पालक गोश्त भी मैं बनाऊँगी ईद के बाद इन आ गए हैं धनिया और इसमें साथ ही पड़ा है पुदीना ये मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए अब देखो यहाँ पे कैसा मिलता है क्योंकि कभी कभी स्टोर्स में इतना अच्छा नहीं मिलता और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस स्टोर से मुझे अच्छा पुदीना और धनिया नहीं मिला था तो मैंने ज़्यादा नहीं उठाया मैं दूसरे स्टोर पर गई वॉलमार्ट गई थी तो वॉलमार्ट से मुझे अच्छा मिला ये है जी रियल कैंडिडियन सुपर स्टोर पर मैं इस वक्त फिर रही हूँ तो यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह जा रही है मुझे चाहिए था ग्रीन बाल पेपर तो मैं वो देख रही हूँ मुझे ग्रीन कहीं नज़र नहीं आए कलरफुल तो नज़र आए हैं लेकिन ग्रीन नहीं तो वही देखने के लिए बेटे को उधर तो साइड पर खड़ा किया और यहाँ पर आई तो दूर एक कॉर्नर में ये रखे हुए थे तो ये मैं एक पैक खरीद रही हूँ क्योंकि इसकी मुझे इसका फ्लेवर सबसे अच्छा लगता है मुझे येलो ग्रीन अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे ग्रीन बेल पेपर ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इसको रखेंगे ट्रॉली में और जाएंगे आप अपनी नेक्स्ट चीज़ों की तरफ के अभी यहाँ से क्या क्या लेना है और मैं आपको ये भी बड़ी मज़े की बात बताऊँ मैं हर स्टोर से हर चीज़ नहीं खरीदती लाइक like, एक स्टोर के मुझे एपल्स अच्छे लगते हैं किसी स्टोर के मुझे बनाना से अच्छे लगते हैं लाइक like, ये आई डोंट नो ये मैं ऐसी हूँ वैम ही या सब लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें मुझे कॉस्को की अच्छी लगती है जिससे मुझे वाटरमेलन कॉस्को का बहुत अच्छा लगता है पीचेज मुझे कॉस्को के बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वॉलमार्ट के पसंद हैं जिस तरह सुपर स्टोर के मुझे टोमेटोज बहुत अच्छे लगते हैं क्यों कम्बर्स टोमेटोज ये चीज़ें मुझे सुपर स्टोर की बहुत अच्छी लगती हैं तो कुछ इंग्लिश क्यूकम्बर्स ले रही हूँ ये ज़्यादा नहीं लूँगी अदरवाइज मैं ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि अभी रमज़ान में तो हम सैल्ड्स वगैरह इतना नहीं खा रहे तो सैलड वग़ैरह खाने के लिए जब हम लोग लेंगे तो उस वक्त आपके साथ शेयर करूंगी तो मैं मिनी क्यूकम्बर्स के भी पैक्स ले लेती हूँ वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तान में मिलते होते तो क्यों तो वो मेरे बच्चे शौक से खाते हैं कि उनको बस लिया उठाया और खा लिया तो यहाँ पे जनाब ऐड हो रहे हैं कुछ टोमेटो टमाटोज ऑलरेडी मेरे पास ऑल मोस्ट हाफ ड्रॉर मेरे फ्रिज का फुल है टोमेटो से लेकिन एहतियातन थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ कि अगर कोई मेहमान आ जाते हैं ईद पे उम्मीद तो नज़र नहीं आ रही है लॉकडाउन की वजह से लोग मिल मिला नहीं रहे अदरवाइज आप यकीन करें कि हम लोगों का पूरा का पूरा ईद के तीन दिन दिनों का एक प्लान होता था तो हम लोगों को ये पता होता था कि इस दिन ये करना है इस दिन ये करना है इस दिन ये करना है तो इस दफ़ा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कोई इनविटेशन नहीं है ना मैंने किसी को इनवाइट किया एक्चुअली आप लोगों को आप आपसे तो शेयर नहीं किया कि मेरी मदर इन लॉ मेरी ताई भी थी और मेरी अम्मी जैसी थी उनका इंतकाल हुआ अभी कुछ दिनों ही पहले तो हम लोगों को ईद को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना बस यही होगा कि अच्छा सा खाना खाएँगे साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और पाकिस्तान फ़ोन शोन करेंगे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का नहीं है हाँ एक चीज़ जो हम कभी मिस नहीं करते हैं वो है जी बच्चों को कुछ चीज़ें लेके देना क्योंकि बच्चों को ऐसे ही एहसास होता है कि ईद है कि उनको गिफ्ट दे दो या उनको कुछ ईदी दे दो तो वो सिलसिला हम हमेशा करते हैं इस साल भी इन करेंगे कि ईद पढ़ने के बाद अगर हमारी मस्जिदें थोड़ी ओपन हो गई कि ईद की नमाज हुई अगर नहीं होगी तो ईद की नमाज के टाइम के बाद तकरीबन नौ दस बजे हम जाएंगे बच्चों को कुछ चीज़ें खरीद के दे देंगे और डेट्स एट ये हमारी ईद होगी इस दफ़ा कुछ बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है अदरवाइज आपको मैं कभी शेयर करूँ और मेरे पुरानी वीडियोज़ कभी आपसे शेयर करूँगी कि मैं बहुत बड़े बड़े गेट टुगेदर करती हूँ ईद पे आठ आठ दस दस फैमिलीज़ को बुलाती थी बहुत ज्यादा यानी मुझे पार्टीज़ का शौक था ईद बकर पे मैं ज्यादा लोगों को ही अपने घर में बुलाती थी तो आप देखें ये जूसेज वगैरह मैंने स्किप किए हैं क्योंकि जूसेज़ मैंने ऑलरेडी ले लिए थे ये जूसेस लेंगे जो हम लोग नाश्ते के साथ लेते हैं मेरा बेटा मैं और मेरे हस्बैंड तो ये कुछ जूसेज़ लेंगे कुछ पेपर टॉवल चाहिए हैं कुछ किचन टॉवल्स चाहिए लाइक डिफरेंट चीज़ें हमें मुझे चाहिए तो मैं बस वो चीज़ें लेती जाऊँगी और उठा के अपने कार्ट में रखती जाऊँगी बच्चों को डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं मेरे सारे बच्चों की चॉइसिस डिफरेंट है तो उनकी चॉइसिस के मुताबिक उनकी चीज़ें ली जा रही हैं और ये यहाँ से चीज़ें खरीदेंगे और उसके बाद हमने जब यहाँ से निकलेंगे तो एक और स्टोर है वहाँ भी मुझे जाना है सब ग्रोसरी चल रही है कुछ ऐसा नहीं है कोई कुछ खास चीज़ें ये रूटीन की चीज़ें हैं बस मुझे थोड़ी हाँ आप लोगों ने एक मेरे से किसी फ्रेंड ने पूछा था कि तुम मीट बाय नहीं करती तो मीट का ये है कि मैं एक डेढ़ महीने का मीट इकट्ठा लेके फ्रीज़ कर लेती हूँ जो कि मैंने तकरीबन आठ दस दिन पहले ही ले कर उसको मैंने फ्रीज़ किया तो अभी अगले महीने के लिए मुझे कोई मीट नहीं लेना पड़ेगा फ्रीज़र में मीट पड़ा होता है निकालो उसको डिफ्रॉस्ट करो उसको पका लो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता इन चीज़ों के लिए कि अच्छा ये चीज़ें लेनी है ये चीज़ें लेनी है तो हम लोगों के घर में अलहमदिल्ला यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि चीज़ें घर में पड़ी होती हैं कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो आपके घर में हर चीज़ मौजूद होती है आप जल्दी जल्दी चीज़ें निकालें खाने पकाएं और लोगों को सर्व कर दें मीट से लेके इवन मैं तो ये सूखे मसाले भी जिस ये स्पाइसेस पड़े हैं आप देखें ये एक आ, यहाँ का कैनेडियन स्टोर है और वहाँ पे सारी आपको देसी चीज़ें शान के मसालों से लेके सूरज के मसालों से लेके देसी आटा देसी चावल हर चीज़ आपको मिलती है लाइक यहाँ पे पहले एक ज़माना होता था जब हम सुनते थे कि यहाँ पर आप इन स्टोर में आपको सुरख मिर्च नहीं मिलती फल चीज़ नहीं मिलती ये चीज़ नहीं मिलती लेकिन अब तो अलहमदिल्ला इवन मैं तो रू अफज़ा और जामे श्रीरी भी इन्हीं स्टोर से लेती हूँ और इन्हीं स्टोर ये सारी चीजें मिल जाती हैं कहीं मुझे और नहीं जाना पड़ता तो अब जी वो मैंने कट कर दिया एक उस स्टोर की चीज़ें हमने ले ली थी पे करके निकले अब हम आगे थर्ड स्टोर पे ये है जी वॉलमार्ट यहाँ से दूध ले रहे हैं कुछ क्रीम्स ली हैं मैंने कुछ विफ्ट क्रीम उठाई है और चीज़ का एक पैकेट उठाया काफ़ी चीज़ें दिखाई घर जाके आपको इन शाला इन डिटेल आपको मैं इसका हॉल दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाई की हैं और माशाला अलहमद काफ़ी ठीक ठाक ग्रॉसरी हो गई थी मज़े की लाइक अब मुझे लगता है कि तकरीबन हफ्ता दस दिन तो आराम से गुजर जाएंगे क्योंकि पहले भी घर में काफ़ी चीज़ें मौजूद थी और अभी मैंने ज़्यादा चीज़ें ले ली रूटीन से ज़्यादा ही ली हैं कि मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े ईद के इर्द गिर्द तो बस ग्रॉसरी हो रही है देखें हर चीज़ कैसे फिल हो गई है ये पेपर टॉवल के लिए दुनिया मर रही थी यहाँ पर कैनेडा में एक दूसरे के लोग पागल हो रहे थे इतने लोगों को चाहिए थे और लोगों को टॉयलेट टिश्यूज़ नहीं मिलते थे अभी आप देखें हर चीज़ पूरी तरीके से भरी है एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसी लाइन में जहाँ पे केमिकल्स मिलते थे जो कि डिस इन्फेक्टिंग स्टफ होता था वो चीज़ें अभी भी नहीं है लेकिन बाकी सब चीज़ें हर चीज़ मौजूद है लाइक कोई ऐसी चीज़ स्टोर में नहीं है जिसके लिए आपको ढूंढना पड़े कि कहीं जाना पड़े दुनिया की हर चीज़ मौजूद है ये चिप्स से लेके खाना पीना आपके स्नैक्स से ले कर आपके एवरी थिंग लाइक यू नेम इट एंड यू हैव इट इन द दोर्स तो जनाब ये कैंडी सेक्शन मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा जंक फूड आता है आई नो uh, मुझे नहीं पता कुछ लोग इस चीज़ को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते लेकिन मेरे घर में माशा चूके हैं हम लोग मेरे चार बच्चे हैं मेरे हस्बैंड में हैं और हम लोग खाते हैं थोड़ा थोड़ा खाते हैं ये नहीं होता कि सब पूरा ये एक किलो का अगर उस का पैक लिया है तो वो पूरा का पूरा खा जाएंगे नहीं खाएंगे हम थोड़ा थोड़ा लेकिन हमारे घर में हर चीज़ होनी चाहिए मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी बच्चे का या मेरा या किसी का किसी चीज़ पर दिल करे वो घर में मौजूद ना हो तो मेरे घर में अलहदुल्ला मैं हर चीज़ स्टोर करके रखती हूँ मेरे पास चीज़ें मौजूद होती हैं तो बस यही रीज़न है तो अब जी हम आ चुके हैं घर और ये मैंने सारी चीज़ें रख दी अपनी टेबल पे आपको दिखाने के लिए और आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या लिया है उसके बाद इन ताला इसको मैं सब चीज़ों को उनके प्रॉपर प्लेस पे रखूँगी फिर आपको फ्रिज भी दिखाऊँगी और पेंट्री भी दिखाऊँगी सबसे पहले जी ये दूध दूध के सिर्फ दो गैलन लिए हैं जो कि सिर्फ मेरा तीन से चार दिन चलेगा फिर दूध मुझे बारी बारी जा लेना पड़ता है क्योंकि दूध रखने की जगह नहीं होती तो मैं दो ही पैक्स लेती हूँ ये जी आइसक्रीम सेम मेरी बेटी खाती है शौक से उसकी आइसक्रीम ये योगट के पैक्स लिए हैं चार नॉर्मली मैं दो लेती हूँ एक हफ़्ते के लिए मेरे दो इनफ होते हैं हमारे घर में ज़्यादा दही नहीं यूज़ होता क्योंकि रमज़ान था तो चीज़ें हो रही थी यूज़ तो ये है जी मिल्क टू गो चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क मेरा बेटा पीता है बहुत शौक से थे इसके मैंने लिए हैं दो ये तीन नहीं तीन पैक्स हैं इसके मैंने तीन पैक्स ले ली हैं उसके बाद ये पोटेटोज़ का पैक है टेन पाउंड्स का आलूओं का पहले तो मैं बीस बीस पाउंड का ला रही लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ टेन पाउंड्स का ही लिया है तो ये साथ जी ब्लू बेरीज हैं ये शिमला मिर्चें हैं जी ये पालक के फाइव बन फाइव बंचेज हैं शायद फाइव थे या सिक्स थे आ, ये जी जाली के फ्रूट स्नैक्स हैं ये मैंने तकरीबन छः के सात पैक्स के लिए लिए हैं और क्योंकि बच्चे खाते हैं और इसमें एक में टेन होते हैं तो ये दो एक हफ़्ते निकल जाते हैं मेरी फेवरेट फेवरेट स्लॉन्ट्रो लाइक इसके बगैर तो मैं मेरी ग्रॉस भी होती नहीं ये मैंने फाइव बंचेज़ लिए हैं ये एग्स हैं और वही सिक्सटी एग्स उसके साथ ये ब्रेड्स हैं तीन का पैक है ये तकरीबन मेरा डेढ़ एक हफ़्ता इनसे निकल जाता है हमारे घर में ब्रेड बहुत शौक से नहीं खाई जाती फिर ये टोमेटोज़ हैं जो मैंने मैंने इसको पैक से निकालना ही नहीं है मैंने कोई डिस नहीं करना है इस दफ़ा इनको ऐसे ही रख दूँगी ये बासा के फिश के मैंने पैकेट्स लिए हैं तकरीबन डेढ़ किलो का एक पैक होता है और ये मैंने दो पैक्स खरीदे हैं मेरे फ्रिज में ऑलरेडी दो तीन हैं है तो लेकिन ये ये चीज़ का पैक लिया है एक के का ये पैक है और ये जो कि मैं पिज़्ज़ा घर में आजकल बनाती हूँ या मैं, मैं समोसा रोल्स बनते हैं तो उसमें डलती है वो मैंने ली जी विपड क्रीम ये कुछ स्पाइसीज हैं जिसमें रेड चिलीज़ हैं क्रश्ड कुछ करियडर है और ये बच्चों के उनके फेवरेट चिप्स हैं चीटो स्पाइसी वाले और उनके साथ मैंने ये क्या लिया ये अनियंस का पैक है ये मैंने पेयर्स लिए हैं ट्राई करने के लिए एशियन पेयर्स है, हैं फ़र्स्ट टाइम लिए हैं तो इसलिए सिर्फ तीन चार उठाई मुझे नहीं पता अच्छी निकलेंगी कि नहीं अच्छी होंगी तो फिर और लेके आऊँगी और उसके अलावा ये जी एक के केजी का मैंने स्मार्टिस के दो पैक्स लिए हैं बच्चों के लिए खाते हैं मेरे बच्चे शौक से आइसक्रीम के ऊपर भी डाल के खाते हैं ये कुछ प्रिंगल्स के पैक्स मैंने लिए बच्चों के लिए तीन बच्चे तीन बच्चे खाते हैं तीनों के डिफरेंट फ्लेवर्स ये जी हमारे ब्रेकफास्ट के या शहरी के जूसेज़ हैं जो कि हम रोज़ पीते हैं उसके बगैर मेरा तो बिल्कुल नहीं गुजरता टाइम ये मैंने गैरनोला बार्स ली हैं ये थोड़ी ली हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी बच्चों के चूँकि रोज़े थे इसलिए खाई कम जा रही हैं ये कुछ स्पाइस हैं कुछ काली मिर्चें हैं कुछ गार्लिक

कि मैं अभी वापस करने वाली हूँ मैंने इसको खोला है बहुत बुरे निकले ये अच्छे नहीं है वापस करूँगी ये साथ मैंने एक ले लिया था अपने लिए कंसीलर है इसका रिव्यू आपको दूंगी बहुत अच्छा वर्ल्ड बेस्ट कंसीलर है ये वाला जरूर जरूर ट्राई करें और ये मैंने आई का लिया है जेल इसका जेल इसको जेल कर देता है उसके बाद उसके अलावा मेरा सब कुछ आप लोगों की तरह बोली जा रही हो देखा नहीं किधर से शुरू किया किधर खत्म किया लेकिन हो गया जी सब कुछ खत्म हो गया सब चीज़ें मैंने एक जगह पे रखी थी आप लोगों के लिए आपको दिखाने के लिए हाँ कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेज है। ये हैं ये मेरी ये क्लाजेट है उस क्लोजेट के अंदर वाले वे मैंने ये सारे जूसेज और ये कोल्ड ड्रिंक्स के नीस एक पैक के नीचे को पाँच छः पैक्स और भी पड़े हैं कुछ थर्टीज वाले हैं कुछ ट्वेंटी वाले हैं कुछ ट्वेल्व वाले हैं साथ ही आटा जो मैं ज्यादा एक्स्ट्रा लेके आती हूँ मैं आटा भी इधर रख देती हूँ तो अब जनाब ये, ये देखिए पेंट्री को मैंने बहुत गंदी हो रही थी पेंट्री सब को मैंने साफ़ किया और ये देखिए फाइनल रिजल्ट काफ़ी उसका नीट एंड क्लीन आ गया चीज़ें टिकाने पर लग गई हैं अच्छी लग रही है मैंने कहा आपको ये शेयर करूँ इसकी क्लिनिंग शेयर करूँगी आपके साथ कभी डिटेल्ड फिर आपको पता चलेगा मैंने अभी बहुत ज़्यादा गंद निकाला है अभी आपको शायद मैं कैमरा साइड पर लेके जाऊँ तो आपको दिखाती हूँ कि कितना इसमें से मैसी चीज़ें मैंने निकाली हैं जो नहीं खाने वाली थी जो बच्चों ने खाना छोड़ दी और वो डब्बे खुले हुए थे तो वो अच्छे उनका वो ठीक नहीं रही तो मैंने उनको सबको चीज़ों को फेंक दिया है अब मैं आपको फ्रिज का एक लुक दिखाती हूँ ये जी है मेरा फ्रिज मैंने सारी चीज़ें उसमें डाल दी थी और ये है जो उसका फ्रिज का फाइनल लुक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है लेकिन हमारे घर में ऐसी ही होती है जनाब इतनी माशाला बड़ी फैमिली है तो ये चीज़ें तो यूँ ही चलती हैं तो ये था मेरा ग्रोसरी का आज व्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा बहुत बहुत हैवी दिन था बहुत हैक्टिक डे था मैंने बहुत मेहनत की आज कमर टूटी पड़ी है अब अफ्तार की तैयारी करनी है आपसे चाहूँगी इजाज़त प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इन शाली उस वक्त तक अपना ख्याल करें और अपनी ईद का भी इंतज़ाम करने स्टार्ट करें मुझे बताएँ कि आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं और इन ताला, ताला मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मुझे बहुत खुशी मिलती है बहुत मोटिवेशन मिलती है प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड से शेयर करते रहें ये जो फाइनल लुक है मेरी uh, फ्रिज का उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छा लगेगा मिलूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़